गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हमारा विषय है हिंदी, पाठ 6 है कर्मवीर. देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं. काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं. हो गए कान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फले. इस वाक्य का, इस पंक्ति का क्या मतलब है? इस पंक्ति का मतलब यह है कि कर्मवीर जो मनुष्य होते हैं, जो कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, मतलब कर्म के लिए दिन भर जागृत रहते हैं, वो जो है उनके सामने कितनी भी बाधा आ जाए, कितना भी उनके सामने मुश्किल मुसीबत आ जाए, लेकिन वो उस काम को करके ही दिखाते हैं. वो जो है कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहते, यह नहीं सोचते कि नहीं हम आज का काम कल पे करेंगे. नहीं, वो कितना भी कठिन काम हो वो कभी आलस नहीं करते. भीड़ में जो है कभी भी ज़्यादा मतलब चंचल नहीं बनते, ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, वह जो है अपना काम शांति से करते हैं. वो इतने वीर होते हैं कि उनके इतना मतलब इतने मेहनती होते कि उनके जो बुरे दिन भी होते हैं वो अच्छे दिन में तब्दील हो जाते हैं. और जो है कर्मवीर जो मनुष्य होता है, जो कर्म को ही अपना धर्म मानता है, वो सभी जगह मौजूद होते हैं और जो है वो हमेशा ऊंचाइयों को छूते हैं. पर्वतों को काट कर सड़के बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि की बेरा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे. वेद नवतल का उन्हें है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया. वो जो है इतने मेहनती होते कि उनके अंदर एकदम दृढ़ निश्चय आ जाए तो वो पर्वतों को भी काट कर सड़कें बना सकते हैं, मरुभूमि मतलब रेगिस्तान में भी जो है वो नदियां बहा सकते हैं, जलराशि की बेला चला सकते हैं. आप जानते हो जंगल में कितनी शांति होती है, लेकिन जब वो कर्मवीर मनुष्य जब ठान लेता है तो वो जंगल में भी क्या शोर मचा सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है और उसे पता होता है कि किस काम को वो किस तरीके से कर सकता है. कार्यतल को वे कभी नहीं पूछते हैं वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी जा, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी शैकरों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले. अब क्या होता है वो कर्मवीर जो मनुष्य होते वह कभी नहीं पूछते कि उनको जो है कार्य कहाँ पर करना है और वह कहाँ मतलब वो कहाँ पर है और उन्हें कहाँ जाना है. अगर वो किसी काम को ठान लेते वो उसे करके दिखाते हैं, वो नामुमकिन मतलब असंभव कार्य को भी जो वो करके दिखा देते हैं. भले ही उनकी ज़िंदगी में कितनी भी उलझने आए वो कभी उन उलझनों के बीच नहीं पड़ते, वो जबकि नया उत्साह लेके आते हैं उस कार्य को करने के लिए. और जो है वो कभी भी उसके सामने उनके सामने भले ही आप कितनी भी अड़चने कितनी भी मुसीबतें डाल दो, वो जो है अपने बात पे टले रहते हैं और अपना काम जो है उस गड़बड़ खराब काम को भी जो है वो अच्छा करके दिखाते हैं. आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं वे सुनते सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं. अब जो कर्मवीर मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी जो है अपना काम कल के भरोसे नहीं छोड़ते, वो कभी भी उस कार्य को करने के लिए सोचते नहीं है, वो उस कार्य को करके दिखाते हैं. अब वो हमेशा सबकी सुनते हैं लेकिन करते क्या है अपने मन की. अब वे कभी भी जो है किसी और मतलब काम के लिए कभी भी किसी और के भरोसे नहीं रहते, वह जो है अपना काम खुद ही स्वयं करते हैं. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट है, वो कभी अपने भाग्य को योग बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, बात है वो कौन जो होती नहीं उनके लिए, वो नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए. अब क्या होता है जो कर्मवीर मनुष्य होते हैं वो कभी भी जो है अपना मतलब अपना टाइम समय जो है व्यर्थ नहीं बिताते हैं, वह जो है बातें नहीं बनाते हैं, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं और ना ही वो जो दिन गवाते हैं कि नहीं आज का काम हम कल पे कर लेंगे, नहीं कल का काम हम परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं करते. वो जो है
मतलब मेहनत करने के लिए कभी भी जी नहीं चुराते हैं, और वह जो है दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं कि दूसरे भी जो है उन्हें देख करके वैसा काम करें। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना वक्त पन्ने पर कर जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस करके चबा लेते जो लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ इसको खोल वे सकते नहीं। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि कर्मवीर मनुष्य यह नहीं देखते हैं कि दिन है या रात है, मतलब दिन भी मतलब गर्मी है या कितनी ठंडी है, या फिर चांदनी मतलब बहुत रात होगी, वो जो है उन्हें जो वो काम करना होता है वो करके रहते हैं। उनके सामने भले ही शेर जैसा बड़ा काम भी क्यों ना आ जाए लेकिन वो उसको भी कर लेते हैं। वह जो है हर मुश्किलों का सामना जो है हंस कर करते हैं, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे यह काम करना है तो वो उसे करके दिखाते हैं। वो कितना भी चल ले कितना भी काम कर ले कभी वो थकते नहीं हैं, वो हर मुश्किल से मुश्किल काम को करके दिखाते हैं। यह कविता किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। यह हमारा अभ्यास कार्य है शब्दार्थ विभिद कई तरह की बहु बहुत से भाग भाग्य चंचल जो बराबर गतिशील हो मरुभूमि रेगिस्तान जल राशि समुद्र भेद रहस्य नवतल आकाश अर्चन रुकावट जगत संसार यत्न कोशिश। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बनाते हैं? सर के कर्मवीर कहाँ नदियाँ बांध देते हैं मरुभूमि में? लोहे के चने चबाना वाक्यांश का अर्थ क्या है? बहुत कठिन कार्य करना। प्रश्न उत्तर मैं आपको वर्कशीट में करवाऊंगी। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आज करना जिसे करते उसे है आज ही, सो कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वह, मानते जी की है वे सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है जिसे कर सकते नहीं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आपको जो ये पंक्ति दे रखी है उसका भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि वह कभी कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहते, कितना कठिन कार्य हो वह आलस नहीं करते, कभी भी वह अपनी वीरता का दिखावा नहीं करते, वह इतने मेहनती है कि उनके बुरे दिन भी अच्छे बन गए और वे सभी जगह भले बने हैं। सही मिलान कीजिए। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे जगह से काम अपना, शेर का भी सामना, मानते जी की है वे सुनते सदा सबकी कई, वक्त पड़ने पर करे जो ठीक करते ही तले, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना। नेक्स्ट है कविता में छाटकर निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। आपको प्रयुक्त विशेषण शब्द लिखने से विविध बाधा बहुविघ्न कठिन काम। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, बाकी आप खुद करोगे। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, दुख सुख कठिन सरल वीर कायर, बाकी आप खुद करोगे। निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखने आपको, तो घबराते बनाते भले तले, ये आप खुद करोगे। दी गई पंक्ति में से संज्ञा और शब्दनाम शब्द छाट कर लिखने से पर्वतों को काट कर सरके बना देते हैं वे, तो इसमें पर्वत जो सरके वह संज्ञा है, वे जो है सर्वनाम है। गर्भ में जल राशि की बेरा चला देते हैं वे, तो जल राशि क्या है? संज्ञा है, वे जो है सर्वनाम है। बाकी आप दो आप खुद करोगे। अब हम इससे रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। आज डेट हमारी 3 अगस्त 2021 है, डेट ट्यूसडे मंगलवार है। होम वर्कशीट 36 है हमारी, सब्जेक्ट हिंदी। मैंने जो आपका 6 कर्मवीर करवा उससे रिलेटेड ये हमारी वर्कशीट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्मवीर क्या देखकर घबराते नहीं है? कर्मवीर विभिन्न तरह के बाधा व विघ्न देखकर घबराते नहीं है, वह बाधा व विघ्न का मुकाबला साहस के साथ करते हैं। सभी जगह सभी कालों में कौन सुखी रहते हैं? सभी जगह सभी कालों में कर्मवीर मनुष्य ही सुखी रहते हैं। उलझने आने पर कर्मवीर क्या करते हैं? उलझने आने पर कर्मवीर मनुष्य वहाँ नया उत्साह दिखाते हैं, वह असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। कर्मवीर दूसरों के लिए आदर्श कैसे बन जाते हैं? कर्मवीर अपना समय फालतू व्यर्थ नहीं करते हैं, काम करने की जगह बात नहीं करते, वह अपने काम पर ही ध्यान देते हैं, वह आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
नेक्स्ट है, कर्मवीर के लिए कोई भी काम कठिन क्यों नहीं है। कर्मवीर अपना काम मन लगाकर करते हैं, वह यह नहीं समझते कि चिलचिलाती धूप है या आधी रात है। वह हंस हंसकर सारा काम कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते हैं। शब्दों के अर्थ से उन्हें मिलाइए। शब्द के अर्थ से मिलाना है आपको शरीर, तन, आनंद, खुशी, सहम कर, घबरा कर, प्यार, प्रेम, जरूर, अवश्य, प्रतिवर्ष, हर साल, खुद, स्वयं, गुजरना, बिताना, बीतना। निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्द चुनकर लिखिए। आपको जो है यहाँ पे सही शब्द चुनकर लिखने से मोर मोरनी तो डैश नाचता तो मोर नाचता है, बाकी आप खुद करोगे। ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।